हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो महंगाई भत्ते में जो है कल लेबर रिपोर्ट आई थी, यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े सरकार ने जारी कर दिए हैं श्रम मंत्रालय की तरफ से। तो उससे महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में जो है बम्पर उछाल आया है, और इसके अलावा 18 महीने के बकाया पर भी सरकार की तरफ से आगे जो है उससे रिलेटेड भी एक बड़ी अपडेट मैं देने वाला हूँ। तो ये वीडियो सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स, राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू आगे भी वॉच कर पाएंगे। चलिए आपको लेके चलते हैं सीधा उस, आप देख सकते हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बेस ईयर 2016 लिया गया और जुलाई 2021 की ये लेबर रिपोर्ट है जो कल ही पब्लिश हुई है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो डेटा निकल कर आया है, जिसमें 1.1 अंक की वृद्धि हुई है। पहले जो 121.7 अंक था, अब वो 122.8 हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं जुलाई 2021 के अखिल भारतीय CPI IW 1.1 अंकों की वृद्धि के साथ 122.8 पर रहा। एक महीने के प्रतिशत परिवर्तन पर इसमें पिछले महीने की तुलना में 0.90% की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी महीने के बीच 1.20% की वृद्धि दर्ज की गई थी। बाकी इस नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं ये वो खाद्य पदार्थ हैं जिनके बेसिस पर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो तय किया जाता है, और ये वो स्टेट हैं या बोल सकते हैं सिटीज़ हैं जिनके बेसिस पर ये सारी चीज़ें इसमें फिक्स की जाती हैं। तो डेटा जो निकल कर आया वो हम देख लेते हैं, 122.8 वो अंक है जिसके बेसिस पर जो है आगे का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये लेबर रिपोर्ट जो निकल के आई है, आप देख सकते हैं ये 2021 तक के लिए आप सभी को पता है कि 31% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपके लिए तय हुई है, जिसका अनाउंसमेंट अभी जल्द से जल्द कभी भी हो सकता है, और आपको सितंबर मंथ की मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि सितंबर मंथ की सैलरी में आपको 31% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपको प्रोवाइड कराया जाएगा विद दो महीने के एरियर का। तो दो महीने का आपका एरियर भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें जुलाई और अगस्त महीना भी ऐड होगा। तो अब बात करते हैं आगे की, यानी कि जनवरी 2022 के लिए जो जुलाई का डेटा निकल कर आया 353 अंक के हिसाब से वो 31.81% है। अगर हम एक्सपेक्टेड बात करते जाएं आगे भी, सब में दो अंक की बढ़ोतरी करते जाएं, तो आप देख सकते हैं अगर हम अगस्त मंथ में दो अंक की बढ़ोतरी करते हैं तो 355 अंक के साथ 32.20 होता है। फिर से अगर हम सेप्टेम्बर मंथ में दो अंक की बढ़ोतरी करें तो 357 अंक के साथ में 32.75 होता है। आगे ऐसे ही हम बढ़ोतरी करते जाएँ, यानी कि अक्टूबर मंथ में 359 हो तो 33.22 होगा। फिर नवंबर मंथ में एक्सपेक्टेड हम दो अंक की बढ़ोतरी करते हैं तो 33.74 होगा, और फिर से हम दिसंबर 2021 में यानी कि लास्ट मंथ में दो अंक की बढ़ोतरी करते हैं तो 34.40 अंक होंगे, यानी एक्सपेक्टेड आपका 31% से 34% होगा, यानी कि सीधी 3% की फिर से बढ़ोतरी होगी, 3 से कम नहीं होगी, कम से कम 4 से 5% की बढ़ोतरी भी हो सकती है जनवरी 2022 में। तो आगे जो भी मंथ होंगे उसमें जब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा निकल कर आएगा उसके बेसिस पर उसे तैयार किया जाएगा। फिलहाल अभी जो है 31% आपको महंगाई भत्ता दो महीने की एरियर के साथ में, यानी जुलाई और अगस्त के साथ में आगे दिया जा सकता है, जैसे कि पहले भी दिया जाता था। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा, ऐसी न्यूज़।